सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशाम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टमेनिया। सो आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जैसे कि टाइटल हमने आपने देखा होगा, आज हम अपने एग्जॉस्ट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और आज की वीडियो में भाई मतलब मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा आपको एक सोल्यूशन दूंगा जिससे आपकी गाड़ी का लुक चेंज हो जाएगा, काफ़ी हद तक जो कार की साउंड है ना उसमें भी आपको डेफिनेटली फ़र्क देखने को मिलेगा। बट वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। मेथड आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे गाड़ी से बिल्कुल लीगल होगी, कोई भी चलान नहीं होगा ना आपको कोई रोकेगा इसमें। क्योंकि आपने देखा होगा ना, मोस्टली इंडिया में जो होता है एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब चलान करते हैं और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो जाती है, तो इसलिए मतलब ऑब्वियसली कुछ एक डेसिबल लेवल फिक्स होता है, उस लेवल से ऊपर साउंड चले जाती है तो वो चलान का एक कारण बन जाता है। बट यहाँ पर आपको साउंड भी मिलेगी, लुक भी मिलेगा और प्राइस के लिए भी काफ़ी अफोर्डेबल होगा, आप इसे आराम से अफोर्ड कर पाएंगे। जो मतलब एक कार एंथुसियास्टिक होते हैं, कार लवर्स होते हैं ना, वो इसे आराम से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल क्या करने वाले, तो भाई देखो, हम अपनी गाड़ी में पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा भाई, मैंने अपनी गाड़ी में ऑलरेडी पहले भी इंस्टॉल कर रखा था और चलान भी हुए हैं 2-3 बार उसमें, और फिर उसके बाद मैंने उसके बाद में सेल कर दिया था पूरा जो भी हमारा सिस्टम था। अच्छा सा हमने बायर्ड होना दे दिया था। और वो पता है हुआ क्या था ना, कि वो बंदा जो था वो इसे विलेज एरिया में चलाता था, तो वो कहता था भाई शहर में मेरा आना होता नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रखा। तो मैंने कहा चल, हम तो यूज़ नहीं कर पा रहे, तू अच्छे से यूज़ कर ले। तो इसीलिए भाई आज की इस वीडियो में हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले हैं एग्जॉस्ट टिप को। तो गाइस, अब एग्जॉस्ट टिप क्या होती है, कैसा होता है, सब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो भाई ऐसा होता है ना, एक तो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जो आपके पूरे इंजन से लगता है, नीचे जो आपका जो मेन हमारा साइलेंसर होता है ना बीच में बड़ा सा टैंक जैसा, वो सब हटके एक ही उसमें लगता है और उससे साउंड जो होती है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड आती है। बट भाई वो जो है ना, मतलब मैक्सिमम पार्ट इंडिया में इलीगल है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसे सिर्फ एक विलेज एरिया में चला रहे हो या फिर ऐसी जगह चला रहे हो जहाँ पे कोई भी ऐसे कॉप्स नहीं है, जहाँ पे कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से मॉडिफिकेशन करा सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप जैसे सिटीज़ में चला रहे हैं, मैं तो सिटी में ही रहता हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे सतर्क रहना पड़ता है सबसे। तो अब इन सब चीज़ों को हटा के भाई देखो, हम साइलेंसर तो एक साउंड के लिए लगाते हैं और एक लुक के लिए लगाते हैं, लुक भी काफ़ी अच्छा आता है अगर हम उसे सही से इंस्टॉल करेंगे। एग्जॉस्ट टिप जो है ना भाई, वो हमारा यहीं काम करने वाली है। तो ये जो एग्जॉस्ट टिप है गाइस, मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है, अगर आपको लेनी होगी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी आपको इसकी कंडीशन थोड़ी अजीब सी दिख रही होगी, बिकॉज भाई ऐसा था ना, ये प्रोडक्ट मुझे काफी दिन पहले डिलीवर हो गया था, बट हमको जो थी ना अपनी वाइपर वाली वीडियो अपलोड करनी थी, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही खोल लिया था और मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट लेवल था, तो मैंने कहा भाई इसे पहले खोल के देखते हैं। इसलिए गाइस थोड़ा सा ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं खुल रखी है, और वैसे भी भाई पैकेज था ना कुछ थोड़ा ठीक कंडीशन में नहीं था, इसलिए मैंने इसे पहले खोल लिया था। अगर कुछ डैमेज होगा तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बनाऊंगा उसके बाद अगर कुछ डैमेज आएगा फिर वीडियो में भी पूरा खराब होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे पहले चेक कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन एग्जॉस्ट टिप है, डुअल एग्जॉस्ट टिप टाइप आपको देखने को मिल जाती है इसमें। पीछे से आपको एक ही वेंट मिलेगा, पर जो एयर जो हमारी पास होगी ना वो यहाँ से 2 वेंट से होगी, और ये वर्किंग है, ऐसा नहीं है खाली दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, चल रहा है भाई, वो पीछे से हवा तो आ रही है और पास भी दोनों साइड से हो रही है, और साउंड भी जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको दोनों साउंड सुनाऊंगा, एक तो अपनी स्टॉक साउंड जो अपने नॉर्मल साइलेंसर से आती है ना, जो अपने सिस्टम से आती है वाली, और दूसरा जब इनसे हम फिट कर लेंगे उसके बाद भी आपको मैं अच्छे से साउंड सुनाऊंगा, ताकि आप भी समझ पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिसएडवांटेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत से भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है भाई प्राइस पहले बता दिया करो, तो भाई मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, वैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। ये अप्रॉक्स मुझे 950 का देखने को मिल गया था, और भाई मुझे बहुत ही अच्छी डील लगी, क्योंकि जब भी मैंने इसे चेक कराया ना तो ये 1500 या फिर मिनिमम कभी गया है तो ये 1200 के आसपास गया है, मैक्सिमम टाइम अपना ये 1600 तक ही रहता है। तो इसलिए भाई 950 की मुझे डील मिली, मैंने इसे तुरंत खरीद लिया था। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँ, अगर आपको डील मिल जाती तो आप भी ले सकते हैं। प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्या पता इससे नीचे भी प्राइस चले जाए, वो श्योर नहीं हूँ मैं, वो जैसा भी होगा एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो भाई अगर हम इसके यहाँ पे डिटेल्स की बात करें, तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है ना अपना बर्न्ड क्रोम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना सिल्वर कलर है, प्लस आगे से ऐसे रेनबो टाइप कलर है, इसे हम बर्न्ड क्रोम कहते हैं, जला हुआ क्रोम इसका ऐसा नाम रखा गया, बस ऐसे कोटिंग टाइप में होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में ये आती है ना, जैसे ऑल्टो 800 का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो हमारा बेंड है, टेढ़ा है नीचे से, तो ये जो है ना भाई मैंने स्पेशली बेंड वाला मंगाया है। अगर आप चाहोगे आपकी कार में स्ट्रेट है, तो मैं स्ट्रेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो भी, आप देख सकते हैं। पूरा सिल्वर चाहिए पूरा सिल्वर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको बर्न्ड क्रोम नहीं चाहिए, पूरा सिल्वर में ही चाहिए, और वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जो जो होगा ना सबका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पीछे हमें इसमें सिर्फ यहाँ पे नट कसने हैं, बस कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें काम, सिर्फ नट अगर हम कस लेंगे अच्छे से। और गाइज आप जब इसके नट कसेंगे ना, तो इसे बहुत टाइटली इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि एक तो ये एग्जॉस्ट में लगेगा, ऊपर से झटके वगैरह अगर गाड़ी में लगेंगे ज़्यादा तो चांसेस है कि इसमें डैमेज आ सकता है। इंस्टॉलेशन में कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टी है,
तो ये काफ़ी मतलब हेल्प करती है मेरी जब भी मैं कोई भी एक्सेसरीज इंस्टॉल करता हूँ। ये मैंने सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, इसको लेके पूरा सेट लेके। अपने पास प्लास है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपने पास ये सबसे छोटी वाली चाबी कहते हैं हम, वो है हमारे पास है 10 नंबर की चाबी है। तो अगर देखो ऐसा है ना, एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उसे फिट करने में। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे तो फिटिंग भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए टूल्स वगैरह का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि सबकी ज़रूरत है, अगर आपके पास यही है इससे भी कर सकते हैं, ये है इससे भी कर सकते हैं, अगर वो है तो उससे भी कर सकते हैं, पर वो प्रॉब्लम करेगा, इन दोनों से आराम से हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जॉस्ट है, और यहाँ की इसकी जो एंडिंग है वो देख सकते हैं वैसे स्लांटिंग में नीचे को है, तो ये मुझे को भी बेकार ही लगता है भाई। ऐसा होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब मैं गाड़ी को थोड़ा सा ऑफ रोड करता हूँ, जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है ना, तो वहाँ पे अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो चांस होता है एकदम पानी अंदर चले जाता है, इसलिए मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं आता है। अगर सीधे होता तो शायद और अच्छा होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। और इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोशिश करिएगा जितना हो सके आप इसे अंदर की तरफ फिट करें, क्योंकि वैसे भी भाई बहुत बाहर को आने वाला है ऑलरेडी, तो जितना हो सके आप इसे अंदर की साइड में डालिएगा, तो उससे क्या होगा ना, एक तो फिटिंग अच्छी आएगी और ये दिखेगा भी अच्छा। तो अब ऐसा करते हैं, इसे सीधे फिट करते हैं। साउंड आपने होपफुली सुन ली होगी, और अब आपको मैं जब फिट कर लूँगा ना उसके बाद इसकी आफ्टर साउंड भी सुनाऊँगा कैसी इसकी साउंड आती है। तो चलिए दोस्तों इसको फिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हमें इसको यहाँ पे ऐसे, पहले तो इसके ना अंदर से जितना भी गैप है मैक्सिमम आप इसमें गैप कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे एग्जॉस्ट की जो फिटिंग है ना वो सही आ जाए। अभी भी मतलब थोड़ा टाइट हो रहा है, तो अभी और नट खोलने की ज़रूरत है इसके। तो भाई अभी आप देख सकते हैं ये इसकी मैक्स फिटिंग में आ चुका है, इससे अंदर ही नहीं जा पाएगा इस गाड़ी के लिए। तो वैसे बाहर तो है, पर अब क्या कर सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा इसकी फिटिंग नहीं हो पाएगी। अब ऐसा करते हैं इसके नट को टाइट कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, कुछ सिनेमैटिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इसे पूरा फिट कर लेते हैं, और उसके बाद गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने एक टो स्ट्रैप ले रखा था ना अपनी गाड़ी में, फिट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से रखा हुआ है। फ्रंट का जो टो स्ट्रैप है ना अपना बहुत गंदा हो चुका है। सबसे गंदी बात इन टो स्ट्रैप्स, मुझे यही लगती है इनका कलर बहुत जल्दी फेड होता है, जैसे कि आप उसका देख सकते हो ना, उसका कलर भी पूरा फेड हो चुका है। आपको इसको फिट करके भी दिखाऊँगा। सबसे पहले भाई इसके नट वगैरह टाइट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो है एग्जॉस्टिव इंस्टॉल कर ली है, और मतलब पीछे का जो लुक है ना भाई वो बहुत ज़्यादा इसने एनहेंस कर दिया। अभी आप देख सकते हैं पीछे वाइपर ये सब, मतलब एक अलग ही इसको अल्टीमेट लुक देने पीछे से। अब हम बात करते हैं इसकी साउंड की, इसकी साउंड कैसे आती है। तो एक बार आप इसकी साउंड सुन लीजिए, मैं आपको एक बार इसके साउंड सुना देता हूँ, फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा कि स्टॉक की साउंड अच्छी है या फिर इसकी साउंड अच्छी है। डेफिनेटली इसकी साउंड अच्छी रहेगी। तो चलिए एक बार आप उसकी साउंड टेस्ट कर लीजिए।
होपफुली जैसे कि आपने साउंड टेस्ट कर ली होगी। अब गाइज यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही डिसएडवांटेज है जो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा बाहर है भाई। बाकी वैसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, साउंड वगैरह अच्छी है, बस यही है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लेना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सबका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टमेनिया, शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।